हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का दौलत राम कॉलेज है जहां पर फॉरेन लैंग्वेज पार्ट टाइम कोर्सेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र करता है ये कॉलेज और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों, दौलत राम कॉलेज एक वुमेन कॉलेज है, लेकिन जो पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज हैं वो मैन और वुमेन दोनों के लिए ओपन हैं। तो मैन कैंडिडेट कन्फ्यूज़ ना हो, आप भी इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पर हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं कॉलेज की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आप नीचे आओगे तो आपको न्यूज़ फीड के सेक्शन में क्लिक हेयर फॉर फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन का एक लिंक मिलेगा। इस लिंक पर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिलेगा और जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है उसका लिंक भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हम प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्रोस्पेक्टस कुछ इस तरह से है, टाइमिंग मेंशन है 4 बजे से इसकी क्लासेस होती हैं शाम को और 90 मिनट की क्लास होती है। वैसे कोविड के टाइम पे फ़िलहाल क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। 67% अटेंडेंस मेंटेन करना इसमें मैंडेटरी होता है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम में बैठने के लिए कम से कम आपकी 67% अटेंडेंस मैंडेटरी होती है। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म जो एडमिशन के बाद इसका एडमिशन हो जाता है, उसको एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ता है। अप्लाई करने की जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हैं 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त, 31 अगस्त तक आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी कैंडिडेट्स को आइडेंटिटी कार्ड भी इशू करे जाते हैं जिनका भी एडमिशन कॉलेज में होता है। इसके बाद कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर प्रिंसिपल का कॉन्टैक्ट डिटेल और ईमेल आईडी मेंशन है, इनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डिटेल अगर हम जानने की कोशिश करें, यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो 50 सीट्स होती हैं एक पर्टिकुलर कोर्स में और कम से कम 20 स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, उसके बाद ही ये लोग कोर्स स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन सी लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो है एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो फॉरेन लैंग्वेजेस में, जिसमें आपका फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन और चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन लैंग्वेजेस हैं। तो ये सभी लैंग्वेज में आप सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए क्लास 12th रिक्वायरमेंट है और क्लास 12th में एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके एग्रीगेट होने चाहिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में डिप्लोमा करना है तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में सर्टिफिकेट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में एडवांस डिप्लोमा करना है तो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। अब सर्टिफिकेट कोर्सेज में जो एडमिशन है मेरिट के थ्रू होंगे। अब बात आती है हमारी डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा में एडमिशन कैसे होंगे। इसमें 2 सिनेरियो हैं। देखिए, पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपने कंसर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है और आपका कोई गैप ईयर नहीं है, तब तो आपका एडमिशन मेरिट के थ्रू होगा। और अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स DU से करा है लेकिन आपका गैप ईयर है, या फिर आपका गैप ईयर नहीं है लेकिन DU से नहीं करा आपने सर्टिफिकेट कोर्स, तो उस केस में आपको एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस 500 रुपये है। एंड सेम गोज फॉर जो आपके एडवांस डिप्लोमा कोर्स है, उसका भी यही सारा क्राइटेरिया है। ठीक है जी। इसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की अगर हम बात करें, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड एंड अपलोडेड। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है फॉर्म फिल करते टाइम। क्लास 12th सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और पास सर्टिफिकेट इन द कंसर्न लैंग्वेज, या आपका डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कंसर्न लैंग्वेज में पास सर्टिफिकेट जो है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन जब आपका होगा तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ लास्ट डिग्री आपको अपलोड करनी है, यहाँ पर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट यानी कि 12th, या फिर अगर आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सर्टिफिकेट, या फिर एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई करो तो डिप्लोमा का। इसके बाद फोटोग्राफ और एक एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग आपको अपलोड करना है। ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर, एडमिशन विल बी डन ऑन मेरिट बेसिस, जो मैंने आपको बता दिया एडमिशन प्रोसीजर ऊपर उसी के अकॉर्डिंग होगा। और लास्ट डेट 31 सितंबर, सारा एंटायर एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होने के लिए। फीस ऑफ ₹1000 विल बी डिडक्टेड इफ़ एडमिशन इज़ कैंसिल विदिन 1 वीक ऑफ कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। क्लासेस स्टार्ट होने के 1 हफ्ते के अंदर अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हो तब तो आपका ₹1000 डिडक्ट होकर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस ₹100 है। ठीक है। और जो बच्चे एंट्रेंस के थ्रू आएंगे उनकी ₹500 लगेगी। स्टूडेंट कैन अप्लाई ओनली 3 लैंग्वेजेस। आप 3 लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। एडमिशन फीस ₹17000 है। एग्जामिनेशन फीस अलग से जाएगी ₹510 है। ₹17510 टोटल फीस हो गई। बाकी कंटिन्यूस इंटरनल इवेल्यूएशन जिसकी ₹500 फीस जाएगी, सिर्फ उन्हीं के लिए जो चाइनीज़, जापानीज़ और कोरियन लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई करेंगे।
एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू बच्चे जो आएंगे उनकी 500 रुपये आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस देनी होगी। बाकी यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट फ़ीस है 100 रुपये, जो कि उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट नहीं है, अदर यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर मेंशन है, इस लिंक पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, गूगल फॉर्म आपके सामने खुलेगा। ठीक है जी, इसके बाद रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर कुछ है, चलिए इस PDF को भी डाउनलोड हम कर लेते हैं। इस PDF में भी ये लिंक दिया हुआ है इन लोगों ने, और लैंग्वेजेस के बारे में बताएगा कि ये लैंग्वेजेस में आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कर सकते हो, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अच्छा, एडमिशन लिस्ट वगैरह कब आएगी उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो हम प्रोस्पेक्टस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर नीचे ईमेल आईडी, अगर कुछ जानकारी चाहिए आपको तो इस ईमेल आईडी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की इस वीडियो में अपडेट थी अबाउट फॉरेन लैंग्वेजेस एडमिशन इन दौलतराम कॉलेज। इसके अलावा हमने हंसराज कॉलेज के ऊपर भी जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं वो भी वीडियो हमने बना दी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।